सो हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत आपका इंजन क्लच गियर के एक और नए फ्रेश एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस कार कैसे बनाई जाती है, क्यों इन कार्स को दुनिया की नंबर वन लग्जरियस ब्रांड में से एक कहा जाता है और क्यों इनकी प्राइस 5 से 10 करोड़ के बीच में होती है। हम बात करेंगे आखिर कैसे रोल्स रॉयस को उनके प्लांट में बनाया जाता है। तो मेरा नाम है ऋषभ और मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक अ रोल्स रॉयस। तो रोल्स रॉयस इज अ ब्रिटिश कार ब्रांड, यह ब्रिटिश कार ब्रांड है और BMW के साथ इसका जो कोलैप्स हुआ था वह 1998 में हुआ था। इसकी कारें हालांकि 1906 से मिलकर आ रही है, लेकिन 1998 में यह BMW के साथ जुड़ा और तब से इसकी लग्जरियस ब्रांड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को आई है तथा यह काफ़ी पॉपुलर भी होता जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो मेन मुख्यालय है वह गुडवेस्ट इंग्लैंड में है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। और इसकी कुछ खास कारें जिनमें फैंटम, जिसे इसने 2003 में लॉन्च किया था, उसके बाद इसने गोस्ट, व्रेथ, डॉन और फिर कैलेडियन कारों को लॉन्च किया। तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक अ रोल्स रॉयस। बाकी कार्स की तरह रोल्स रॉयस कार भी मुख्यतः 3 चरणों में बनाई जाती है। पहले उसे बॉडी को बिल्ड किया जाता है तथा उसे पूरा वेल्डिंग करके उसे जोड़ा जाता है। उसके बाद उस पर पेंट की लेयरें चढ़ाई जाती है, बाद में उसे असेंबल किया जाता है। पहले बात करिए अगर इसको बिल्ड करने की, तो ज़्यादातर रोल्स रॉयस की कार्स को जर्मनी में बिल्ड किया जाता है। वहाँ से बिल्ड की हुई बॉडी को उसके गुडवुड प्लांट में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब बारी आती है पेंट की। इसकी जो बॉडी बनी होती है वह एलुमिनियम की बनी होती है और यह काफ़ी स्ट्रांग होती है। एलुमिनियम बाकी अदर कार में स्टील होता है और इसमें एलुमिनियम काफ़ी हल्का होता है तथा जिससे कि इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ती है, लेकिन यह काफ़ी मजबूत भी माना जाता है। अब बारी आती है पेंट की। तो रोल्स रॉयस पे आपको 22 स्टेप पेंट किया जाता है। अगर इसमें आपको 5 लेयर मिल सकती है पेंट की तथा इस लेयर को करने में 7 दिन का समय लगता है। अगर इस पेंट की बात करें तो इस पेंट को करने के बाद उसका वजन 45 kg बढ़ जाता है। इस पेंट का अकेला वजन 45 kg होता है। अगर इसके प्लांट में स्थित रोबोट्स की बात की जाए तो कहा जाता है कि रोल्स रॉयस के प्लांट में सिर्फ 2 रोबोट्स ही है, जो कि गाड़ी पर प्राइमरी पेंट ही करते हैं। उसके बाद के पूरा पेंट वहाँ के वर्कर्स के द्वारा किया जाता है तथा इस पेंट में जो भी इसका कस्टमर्स है उसके हिसाब से इस पेंट को किया जाता है। कस्टमर की जैसी भी डिमांड हो उस हिसाब से पेंट किया जाता है। अगर आप एक रोल्स रॉयस के कस्टमर हैं और आप रोल्स रॉयस खरीदने का ऑर्डर देते हैं तो इसमें आपको 16 पेंट और 44,000 कलर चुनने का मौका मिलता है। आप एक ही कलर को पूरी गाड़ी पर भी करा सकते हैं और पूरी गाड़ी पर अलग अलग कलर्स के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रोल्स रॉयस को पेंट करा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी डिमांड्स बढ़ती जाएगी उसी तरह के कार्स का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। किसी भी गाड़ी का प्राइस फिक्स नहीं होता, वह आपकी डिमांड्स पर डिपेंड होता है। जितनी ज़्यादा आपकी डिमांड्स होंगी उतनी ज़्यादा कार का प्राइस होगा, लेकिन वह आपको हर कार्य करके देंगे। आपकी जैसी डिमांड हो उस हिसाब से कार्य करके देंगे। इसके बाद कार आती है असेंबली शॉप में। तो सबसे पहले लकड़ी के बने इंटीरियर को, अलग अलग लकड़ी की शीट्स को लिया जाता है तथा उन्हें टेस्ट किया जाता है और कुछ चुनी हुई टेस्ट शीट को ही प्रेस की सहायता से एक इंटीरियर के लिए खास लकड़ी बनाई जाती है। इसके बाद इसे रोबोट में डाला जाता है तथा रोबोट्स जो कि CNC रोबोट्स होते हैं, जिनमें पहले से ही इनकी कोडिंग फिट होती है तथा उन्हें पहले से ही निर्देश दिए होते हैं कि उन्हें लकड़ी के किस शेप में काटना है, और वह अपने निर्देशों के अनुसार लकड़ी को उस शेप में काट लेते हैं जिससे कि वह इंटीरियर के लिए एकदम सही बन जाए। उसके बाद आती है इन वुडन्स पर टेस्ट की। तो इन वुडन्स पर कई फिर से टेस्ट किए जाते हैं और इन पर एक ग्लू और एक अलग तरह का वुडन पेंट लगाया जाता है जिससे कि यह ख़राब ना हो और इसकी चमचमाहट जो इसकी है वह भी बनी रहे, जिससे कि यह काफ़ी शाइन भी करती है। इसके बाद वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ उन पर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट फिट कर देते हैं और उसे उसके डैशबोर्ड पर लगा देते हैं। रोल्स रॉयस का पूरा डैशबोर्ड पूरी तरह लकड़ी और वुडन, काफ़ी अच्छी वुडन से बनाया जाता है तथा इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक का कोई भी पार्ट यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद आती है इसकी सीट्स की। तो इस पर लगी सीट्स पर जो लेदर होता है वह काफ़ी एक्सपेंसिव तथा काफ़ी रेयर होता है। यह रेवर कभी भी मुड़ता नहीं है तथा आपको जब भी आप एक रोल्स रॉयस पर बैठते हो तो आपको काफ़ी अच्छा फील कराता है। बताया जाता है कि यह जो लेदर है वह 11 बैलों की चमड़ी तथा अन्य जानवरों की चमड़ी को निकाल के बनाया जाता है। इस चमड़ी को काफ़ी तरीके से टेस्ट किया जाता है तथा इस पर लेज़र कटिंग भी की जाती है। अंत में इसे पूरी तरीके से टेस्ट करने के बाद इसको लेज़र कटिंग के लिए भेज दिया जाता है और लेज़र कटिंग, लेज़र की सहायता से इस पर अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं तथा एक कंप्यूटर उन पैटर्न में इस लेदर को काट लिया जाता है। उसके काटने के बाद जो भी कटिंग पार्ट्स हैं उनको अलग अलग मशीन्स में भेज दिया जाता है तथा मशीन में सिलाई करके कुछ लोग इन्हें अलग अलग तरह के डिज़ाइंस के लिए बनाते हैं। यह कार्य पूरी तरीके से हैंडमेड होता है। इसकी सीट्स पर बने लेदर को हाथ से ही सिला जाता है तथा इसे हाथ से ही डिज़ाइन किया जाता है। रोल्स रॉयस में बनने वाला हर पार्ट आपको हैंडमेड मिलता है, इसीलिए इस कार का प्राइस इतना ज़्यादा होता है। अब बारी आती है इंजन असेंबली की। तो इसमें V12 इंजन लगा होता है, जो कि हर गाड़ी में लगभग इसका V12 इंजन है, लेकिन इसमें हर गाड़ी में टाइमिंग अलग अलग होने के कारण हर गाड़ी में यह अलग अलग HP जनरेट करता है। बात करें अगर रोल्स रॉयस पैंथम की, तो पैंथम में यह 453 HP की पावर देता है तथा इसको 100 की स्पीड पकड़ने में 5.95 सेकंड का समय लगता है। इसकी पूरी पावर ट्रेन को अलग से असेंबल किया जाता है, जिसमें कि इंजन, गियरबॉक्स तथा
जिसमें पॉपुलर शॉप से लेके डिफरेंशियल तक हर चीज़ लगा होता है। साथ ही में इसे हर गाड़ी की तरह रोल्स रॉयस कार में नीचे से ऊपर को फिट किया जाता है, एंड में इसका रेडिएटर लगा के इसे फिट कर दिया जाता है। इस पूरे ट्रांसमिशन को फिट करने के बाद रोल्स रॉयस में ग्रिल लगा दी जाती है, तथा यह ग्रिल चेक करने के बाद इसमें रोल्स रॉयस का फेमस लोगो लगाया जाता है। इससे पहले इसमें 22 इंच के टायर लगाए जाते हैं, जो कि एक खास तरह के रबड़ से बने होते हैं, तथा यह खास वह कंपनी रोल्स रॉयस के लिए ही बनाती है, जिनकी चौड़ाई लगभग 22 इंच तक हो सकती है। इसके लोगों को फिट करने के बाद इसे टेस्ट किया जाता है। आप जानते होंगे रोल्स रॉयस का जो लोगो है वह अन्य कारों से अलग होता है, क्योंकि इसे आप छूने पर या फिर इसे उखाड़ने की कोशिश पर यह बोनट के अंदर चले जाता है। इग्निशन ऑन करने पर ही यह फिर से बाहर आ जाता है। अब बात करें इसमें एंड में, तो एंड में इसके ग्रिल के साथ फिट करके इसे बॉडी वाटर टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। यह वाटर टेस्ट लगभग 20 मिनट तक होता है और एक आदमी अंदर बैठ के इसमें लीकेज का टेस्ट करता है। लीकेज टेस्ट पूरा होने के बाद इसमें कुछ और टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें रनिंग टेस्ट, टो तथा टो इन जो कैम्बर टेस्ट होता है वह किया जाता है। बारी आती है द फेमस लाइन की, तो रोल्स रॉयस कार पर आगे से लेकर पीछे तक एक खास तरह की पेंट की लाइन मारी जाती है, जो कि एकदम सटीक और एकदम सीधी होती है। यह लाइन मारने वाला एक ही व्यक्ति रोल्स रॉयस में पूरे प्लांट में है, जो कि हर कार पर वही व्यक्ति इस लाइन को मारता है। इस लाइन को बिना किसी मेजर इंस्ट्रूमेंट या बिना किसी स्केल के मारा जाता है, और यह लाइन करीबन दोनों तरफ मिला के 6 मीटर लंबी और 3 mm चौड़ी होती है। वही एक व्यक्ति इस कार्य में एक्सपर्ट है, और वही एक व्यक्ति इस लाइन को हर कार में मारता है। कोई भी अन्य व्यक्ति इस कार्य के लिए इस्तेमाल में नहीं लिया जाता। साथ ही साथ कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। उसी व्यक्ति के स्किल्स और उसके जो भी एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से वह लाइन मारता है। अगर यह लाइन मारने में कोई मिस्टेक हो गया, तो उसके लिए कोई भी इरेजर नहीं है, जिससे कि बॉडी का पूरा पेंट और पूरी बॉडी ख़राब हो सकती है। इसलिए यह जो पेंट होता है यह परमानेंट होता है, और इस लाइन को मारने में उसे करीबन 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। तो इस तरीके से एक रोल्स रॉयस बनती है, और इसे पूरी तरीके से हैंडमेड बनाया जाता है। इसकी कुछ खास बातें इस प्रकार है कि यह आपको हर डिज़ाइन में मिल सकती है, हर कलर में मिल सकती है। साथ ही साथ इसमें जो लेदर लगी होती है वह काफ़ी कंफर्टेबल होती है, तथा इसके खास फीचर्स में से एक इसका RR का लोगो भी है, जो कि इसके टायर्स पर लगा होता है। टायर्स कितनी भी तेज़ घूमे, लेकिन वह लोगो कभी नहीं घूमता। साथ ही साथ रोल्स रॉयस का वजन की बात की जाती है, काफ़ी भारी होती है, और कहा जाता था कि एक ट्रक के टकराने पे भी वो रोल्स रॉयस को कुछ नहीं होगा, बल्कि उस ट्रक को ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि रोल्स रॉयस कहते हैं कि कभी भी पलटती नहीं है। ये इसका वजन काफ़ी भारी होता है, और भारत में भी कई सारी सेलिब्रिटीज़ पे यह कार है, लेकिन अगर दुनिया में बात की जाए तो हांगकांग में सबसे ज़्यादा रोल्स रॉयस आपको देखने को मिलती है। रोल्स रॉयस कहा जाता है कि कभी ख़राब नहीं होती, हालांकि है कहा जाता है कि 50 से 100 ताल तक आराम से चल सकती है, अगर आप इसे सही से मेंटेन करके रखते हो तो। हालांकि कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी हाल ही में रोल्स रॉयस ख़राब हुई है, जिनमें कि कई सारी बार इनमें कुछ कमियां देखने को मिली है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर रोल्स रॉयस कभी भी ख़राब नहीं होती, और यह काफ़ी लंबे समय यानी 50 से 60 साल तक आराम से चल जाती है। तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय नेक्स्ट।